तुम तो फूलों सी हंसी थी, इस समय क्या हुआ जो रोती हो। तुम मेरे स्वामी हो स्वामी, मेरा मन रखने वाले हो, मेरा मन रखने वाले हो। तुम ही कहो मेरा कभी झूठा रहा व्यवहार, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, माणिक समुंदर में हो पहाड़ों में पकड़ जाए, हम वह नहीं है जो बात से अपनी मुकर जाए। परमात्मा दशरथ का वचन है, मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है, साक्षी है ये आकाश पृथ्वी और कौन है। आन पहली बार ही उस पाक नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध बेटे। ठीक है यह सत महान, अब मुझको विश्वास हुआ पाऊंगी वरदान। लो सुनो प्राण जो दूसरा है मेरा, यह सुनकर कंठ
सत्य वादी का नर हरी सुंदर, जिसने सत्य तथा में संकट में जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरगट में, दूसरे हुए महाराज श्री तो नहीं सोचते थे अपनी रक्षा पर एक कबूतर की, खुद मांस खोलते थे अपनी, तीसरे हुए ऋषि दधी जी तो सुयस का दान लेते थे, सब आकर इंद्र मांगता था तो हड्डी अपनी दे देते थे, मैं तुमसे सभी दधी जी जैसा हड्डी या मांस नहीं मांग रही, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरगट का मांस नहीं मांग रही, मैं मांग रही हूँ अपना कर्जा तो देना तुमको वाजिब है, तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो दे दो यही मुनासिब है। बंद कर यह वार्ता उद्देश्य के हृदय में और न भरे उठा, गाली मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, जो तू मुझको ललकार रही तू बात नहीं है, आपे में जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी करनी पर सिर धुन कर आएगी। अच्छा जो होगा है होगा, उसकी न मुझे अब चिंता है, मेरा तो आज सब कुछ बलिदान धर्म पर है। गाली गाली आसन प्रसाद कल जा मिले और दान मिले, ले लाज और साथ मिले, वर भी ले और साथ में दशरथ के प्राण मिले। तुम जाओ और रामचंद्र जी को बुला कर आओ। महारानी जी आज महाराज को क्या हुआ है, जो पर उन पर पड़े हुए हैं, जो उधर भी है। सुमन तुम पहले जाओ और रामचंद्र जी को बुला कर आओ। जो आज्ञा महारानी जी। प्रणाम पिता, क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको नुकसान आई है, सामने देखो सामने देखो, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। माता माता मंत्री मंत्री ये ऐसे क्यों अकुल आए हैं, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ तो मेरे पिता ऋषि आए हैं। तुम बार बार यह सोच रहे हो किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुझे बुलाया है तुमको ज्ञात मुझसे इनको अत्यधिक प्रीति की ममता है, ये इसी मोह का चक्कर है जो उनकी बुरी अवस्था है, दो वर देने का वचन मुझे अवधेशन ने दे रखा था, जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ मुझे मांगना था, मांगा था तिलक भरत बहो 14 वर्षों का वनवास तुम्हें, ये सुना तो नरक मुच्छित हुए इच्छा थी रखे पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इनकी ये आशा, तुम अपना धर्म समझते हो तो प्रण निभाओ तुम अपना। बड़े भाजी वह बेटा है जो पितु माता आज्ञाकारी है, माता यदि यही आज्ञा है
तो जिंदगी पवित्र हमारी है, हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी आदेश में कोई दिया हमें, हम क्यों विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दे, जब जानेंगे सुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे, सच कहते हैं मन की कहते हैं यह तिलक बहुत ही भार हमें, वह आनंद अपार हमें, चिंता है तो कुछ यह है ईश्वर को आज व्यथा इतनी अचरज है, क्या इतने पर ही है इनकी बुरी दशा इतनी, संभव है आज और भी हो जिसका आघात करारा है, मालूम हमें यह होता है कोई अपराध हमारा है, जितने क्षण यहाँ रहोगे इनका संताप न जाएगा, वन जाओगे जब तक इनका पश्चाताप न जाएगा, इस कारण अच्छा तो यह है दुख इनको न और न पहुँचाओ, जितनी जल्दी हो सके इनके आगे से हट जाओ। कठोर पिता न होगा तुझसा आज्ञाकारी पृथ्वी पर अंधत न होगा, इन घर का प्यार छोड़ के मैं अपना प्यार छोड़ता हूँ, तुम छोड़ रहे हो भैया भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं लक्ष्मण तुम यही रहो और अयोध्या की रक्षा करो। मेरी तो अयोध्या वही है जहां आप और माता श्री जानकी जी रहते हैं, या तो आप अपने साथ ले चलो अन्यथा आप अपने हाथों से मेरा वध कर दो। अच्छा ऐसी बात है तो मुझे क्या भी चलो। छाया
954927615 DJ Bhairuna Hora Jika Heda DJ Bhairuna DJ Bhairuna DJ
डीजे भैरवनाथ। डीजे भैरवनाथ और ताली वही बजाता है जिनके हाथों में जान होती है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे मेहमान कलाकार का। और अब आपके सामने पेश है बहुत ही मार्मिक दृश्य रामलीला का, जिसके अंदर भरत मिलाप का बहुत ही शानदार दृश्य है, जिसमें हमारे रामलीला कलामंडल में नवयुक्त कलाकार गौरव रावत के द्वारा बहुत ही शानदार से पेश किया जाएगा। तो सभी जिस प्रकार एक भाई भाई से बिछड़ जाता है, उसके बाद छोटा भाई बड़े भाई के विरह में रोता हुआ उसको ढूंढता है, बहुत ही शानदार मार्मिक दृश्य आपके सामने है रामलीला का भरत मिलाप दृश्य। और दीजिए ताली से जोरदार स्वागत कीजिए हमारे कलाकारों का। एक विशेष बात और बताना चाहूंगा मैं इस दृश्य से संबंधित,